किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको चटपटे समोसे, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मैदा की। ये करीब हमने 200 ग्राम लिया है, ग्रीन चिल्ली है, कोरिएंडर लीफ है, बॉयल्ड मटर है, थोड़ा सा हमने इसको बॉयल कर लिया, अजवाइन है, नमक है, चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स और ये 6 आलू हैं जो हमने बॉयल करके मैश कर लिए, छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। सबसे पहले हम तेल को गर्म करेंगे हल्का सा। तेल जब तक गरम हो रहा है हम इस मैदा में थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तेल भी हमारा गरम होने लगा है। देखिए तेल हमारा हल्का सा गरम हो गया। अब हम इसको इस आटे में मिलाएंगे। ये करीब मैंने आधा कटोरी तेल लिया है। इसको चम्मच की सहायता से मिलाना है आपको, क्योंकि ये बहुत गरम है। अब आपने ये देखना है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए बोन आपने कितना डालना है। आप इसकी सहायता से देख सकते हो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद। अगर ये मुट्ठी में आ जाए तो समझो मोन आपका बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा है और ना कम है। आप इसकी मदद से आप देख सकते हैं। ये हमने पानी को भी हल्का सा गर्म कर लिया है। इसकी मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून देंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। कड़छी से हम सारी मैदा निकाल लेंगे क्योंकि हमें अब हाथ से ही भूनना है। तो अच्छे से मसल मसल के हम चिकना कर लेंगे आटे को। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि ये फूल जाए अच्छे से। तब तक हम रखेंगे कढ़ाई। गरम होने पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो थोड़ा सा पिंच ऑफ हींग हम इसमें डाल देंगे। हींग जैसे ही गरम होने लगे हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। और ये सारे आलू जो हमने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिए हैं ये इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ ही ये मटर भी। लाल मिर्ची पाउडर या आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा नमक। तो अच्छे से जब तक चलाएंगे जब तक मसाले सारे आलू में कम ना रहे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और ये ग्रीन चिल्ली, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोरिएंडर लीफ, आलू का मसाला बनके हमारा तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, नहीं तो आपके समोसे फट सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में आप तोड़ते जाएंगे। और इसे हम ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं और मैदा भी हमारा फूल गया है। इसको हम एक बार और मसल के चिकना कर लेंगे। जब तक हमारा ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम समोसे तैयार कर लेते हैं। ये हमने लोई ली है परांठे के बराबर, आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको हम सब तरफ से एक जैसा बेल देते हैं।
ये देखिए हमारा बेस बन के तैयार है। सब तरफ से इक्वल लेना है। सेंटर से हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। दोनों कॉर्नर को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे और इसको हम सील कर देंगे अपने हाथ की मदद से। ध्यान से इसमें हम आलू भरेंगे। जितनी भी स्टफिंग आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए इधर से हम पकड़ के इसको अच्छे से सील कर देंगे, आलू बाहर ना आए इसका मसाला। देखिए हमारा एक समोसा बनके तैयार है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। ये हमारे समोसे बनके तैयार हैं। स्टफिंग हमने कर दी है, इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया। जब एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसे सिम कर देंगे और एक बार में आप 3 से 4 समोसे डालेंगे ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। समोसे बन रहे हैं, सीख रहे हैं हम, थोड़ी देर और समोसे की तैयारी कर लेते हैं। मेरे से इसको पलटते रहना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको हम अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। बरसात के मौसम में समोसे खाने का बहुत आनंद आता है। ये देखिए समोसे बनके तैयार है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।